नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो देख रहे हैं ये एमआई कंपनी का 32 इंच का एलईडी टीवी है। इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे सही करना है इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देख रहे हैं दोस्तों, टीवी को ओपन किया हूँ, इसमें देख रहे हैं एमआई का स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। इसका मॉडल नंबर देख रहे हैं TPD.T962SX.PB795। ये बोर्ड का नंबर है, ये स्मार्ट बोर्ड है। और इसमें देख रहे हैं ये स्क्लार बोर्ड है, इसका नंबर है ST3151A05-8-XC-3। तो इसमें मैं सप्लाई चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या सप्लाई मिल रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस टिकॉन बोर्ड का सप्लाई चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये पैनल VCC है, 12 वोल्ट प्रेजेंट है और इसका VDD सप्लाई 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। इसका VAA सप्लाई 14.94 प्रेजेंट है और इसके बाद VGS सप्लाई है, यहाँ VGS सप्लाई है 24 वोल्ट ये प्रेजेंट है और इसमें VGL सप्लाई है, यहाँ पर ये VGL है, VGL सप्लाई -6.21 वोल्ट प्रेजेंट है। इसका जितना सप्लाई है सारे सप्लाई प्रेजेंट है और देख रहे हैं यहाँ VCM है, VCOM सप्लाई है, यहाँ 6 वोल्ट ये भी प्रेजेंट है। तो जब मैं इसमें देखा तो यहाँ पर देख रहे हैं VGS, VGL ये सभी सोस्कोप में इन हो रहा है, तो इसमें साइड गेट कॉप रहने का चांस है। तो मैं पैनल को ओपन करके देखता हूँ इसमें साइड गेट कॉप है कि नहीं। तो देख रहे दोस्तों, अभी इस टाइप का पिक्चर आ रहा है। इसमें देख रहे हैं ये लाइन ज़्यादा लाइन आ रहा है, पतला पतला बारीक बारीक सा। और मैं इसका पैनल को जब ओपन करता हूँ तो देखिए इसमें ये जो एक साइड गेट कॉप है मैं इसको ऊपर उठा के चिपका दिया हूँ और ये है दो नंबर साइड गेट कॉप है और ये है तीन नंबर साइड गेट को, इसमें तीन साइड गेट कॉप है। तो दोस्तों, मैं ये जो साइड गेट कॉप है, फर्स्ट साइड गेट कॉप है, इसका डेटा शीट निकला तो देखा ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये VGS सप्लाई मिलता है, इसमें VGS सप्लाई मिलता है। इसमें देख रहे हैं मीटर में 23.95 वोल्ट VGS सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है ए पॉइंट में VGL सप्लाई मिलना चाहिए, लेकिन इसमें देख रहे हैं 0.736 वोल्ट आ रहा है, इसमें VGL सप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं इसका जो टिकॉन बोर्ड है, टिकॉन बोर्ड से एक पतला वायर को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ये टैप लगा लगा के चिपका चिपका कर यहाँ पर ले आया हूँ। ये जो पतला वायर है VGL सप्लाई को मैं VGL का टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हूँ, ये वायर का, और दूसरा वायर का मैं इसमें कनेक्ट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी वायर का दूसरा साइड में मीटर का प्रॉप के साथ कनेक्ट करके रखा हूँ। देख रहे हैं मीटर में -6.2 वोल्ट VGL सप्लाई आ रहा है। मैं इस पॉइंट में
विजुअल सप्लाई को कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जहाँ विजुअल का टेस्ट पॉइंट है। देख रहे हैं टीवी में पिक्चर सही आ रहा है, ये छोड़ देता हूँ तो पिक्चर खराब हो जाता है। देख रहे हैं फिर टच करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं पूरा स्क्रीन में पिक्चर सही आ रहा है। तो मैं इसको इस पॉइंट में वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ मेरा ये टीवी सही हो रही क्यों। देखिए दोस्तों, एक पतला वायर से मैं इस साइड गेट को अपने विजुअल को बाईपास किया हूँ और अभी देख रहे हैं टीवी में कोई लाइन नहीं है। देख रहे हैं ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एलईडी बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।